हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घर की रेसिपी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं नूडल्स यानी चाउमीन। बहुत ही टेस्टी चाउमीन बनने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बनाने के लिए मैंने दो टमाटर कट कर लिया है और यहाँ पे एक इंच अदरक, 8-10 कली लहसुन और 2 हरी मिर्च और यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज मैंने कट किया और एक पैकेट मैंने लिया नूडल्स। तो इसको हम निकाल लेते हैं थाली में और नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैंने एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो पानी को गर्म कर लेंगे अच्छे से। इसमें मैंने डाल दिया ऑयल ताकि हमारे नूडल्स आपस में चिपके ना। तो पानी गर्म होने के बाद मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था नूडल्स को। अब मैंने सारे नूडल्स को डाल दिया पानी में। इसको अच्छे से बॉयल करेंगे यानी अच्छे से पकाएंगे, तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, नहीं तो नूडल्स हमारे गल जाएंगे तो बनाने में दिक्कत होगी। तो नूडल्स को हम अच्छे से पका लेते हैं, लगभग 10 मिनट तो लग जाएंगे पकाने में और इनको हम चलाते रहेंगे कंटिन्यू ताकि नीचे चिपके ना नूडल्स। कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ताकि बराबर से अच्छे से पक जाए। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, नूडल्स हमारी पक के तैयार हो गई। ये देखिए, चम्मच से बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं पानी से बाहर, गर्म पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक थाली मैंने रख लिया और एक जाली वाली थाली। तो जाली वाली थाली में सारे नूडल्स को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे नूडल्स को मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल देती हूँ ताकि आपस में चिपके ना। तो 2 ग्लास मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ ताकि आपस में बिल्कुल भी ना चिपके। तो टमाटर और प्याज तो हमने कट कर लिया है पहले से ही, तो गैस पे मैंने कढ़ाही चढ़ा दिया है। इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल। तेल को गर्म करेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे कटी हुई प्याज। तो प्याज को हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन प्याज को नहीं करना है क्योंकि अभी हमें टमाटर भी पकाना है और लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी हमें इसी में पकाना है। तो लहसुन और अदरक, हरे मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसको मैंने पीस लिया था यानी कूट लिया था। तो इसको भी भून लेते हैं। इस तरीके से लहसुन, अदरक और हरे मिर्च का पेस्ट डालेंगे तो नूडल्स हमारी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये लीजिए, कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का प्याज का भी कलर चेंज हो गया और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च भी अच्छे से भून गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर को अच्छे से गल जाने देंगे। तो टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको गल जाने देंगे तो नूडल्स हमारे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए। तो टेस्ट के अनुसार मैं नमक डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को अच्छे से हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम किया है। तो ये लीजिए, यहाँ पे टमाटर हमारे गल गए हैं अच्छे से। अब मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। तो यहाँ पे नूडल्स मसाला मैंने डाल दिया है। मसाले को भी अच्छे से पका लेते हैं, थोड़ी देर तक मिक्स करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पका लिया है। टमाटर भी अच्छे से पक गया, प्याज भी, और इसमें मसाला भी हमने डाल दिया, नमक भी डाल दिया है। अब मैं नूडल्स को डाल देती हूँ।
तो ये देखिए नूडल्स हमारी आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल देसी तरीके से और कम सामानों में बहुत ही टेस्टी नूडल्स हमारी बनके तैयार हुई है। सिर्फ 5 मिनट में ही ये नूडल्स बनके तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो ये लीजिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। नूडल्स हमारी बिल्कुल रेडी है, बनके तैयार है। अब इसको हम एक प्लेट में सर्व करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये लीजिए, मैंने प्लेट में सर्व किया। वाह, कितनी टेस्टी लग रही है और कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।